दोस्तों बात करते हैं यूपीआई लाइट क्या होता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि यूपीआई लाइट यूपीआई पेमेंट का एक लो वर्जन है, जहां पे आप लो कनेक्टिविटी एरिया में स्मॉल वॉल्यूम का जो ट्रांजैक्शन है वो आप यूपीआई लाइट के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों इसको लॉन्च इसलिए किया गया है कि जो भी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते थे या करते होंगे, तो आपने देखा होगा जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता था जब भी आप उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ निकालते थे। एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, कभी कभी आपका जो यूपीआई पेमेंट है वो फेल हो जाता था। इसी को देखते हुए दोस्तों यूपीआई लाइट लॉन्च किया गया है, जहां पे आप जिस भी ऐप में यूपीआई लाइट यूज करेंगे, करंटली आपको भीम ऐप या पेटीएम में ही यूपीआई लाइट का सपोर्ट देखने को मिलेगा और ऐप में भी आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। पर फिलहाल दोस्तों अभी आपको भीम ऐप और पेटीएम ऐप में ही यूपीआई लाइट का आपको सपोर्ट मिलता है। जहां भी आप अपने यूपीआई लाइट को यूज करेंगे, वहां पे दोस्तों आपको एक यूपीआई लाइट का एक वॉलेट मिलेगा, जिसमें आपको अपने बैंक अकाउंट से उसमें एक स्मॉल अमाउंट यानी मैक्सिमम 2,000 रुपए तक आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों जब एक बार आप यूपीआई लाइट के वॉलेट में एक बार पैसे आप लोड कर देंगे, तो उसके बाद दोस्तों आप किसी भी वेंडर या किसी भी मर्चेंट के एंड पे जब पेमेंट करेंगे, तो आपको किसी यूपीआई पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और सिंपल आपको टैप एंड पे करना होगा। जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, ये ट्रांजेक्शन आपके कहीं भी पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में आपको शो नहीं करेगा। दोस्तों इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे और इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप प्लीज वीडियो को बने रहे। दोस्तों यहाँ पे मैंने पेटीएम ऐप ओपन कर रखा है और अब आपको यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस एंड हिस्ट्री का एक आइकन है, आपको इस पर टैप करना है। नाउ टैप करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा बैलेंस एंड हिस्ट्री का, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा यूपीआई लाइट और राइट साइड में एक एक्टिवेट का बटन मिलेगा, आपको सिंपल इस पर टैप करना है। टैप करते ही आपको यूपीआई लाइट का एक सेपरेट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कुछ इसके हाईलाइट है, जैसे कि नेवर फेल ट्रांजेक्शन यूपीआई लाइट, सिक्योर ऑन डिवाइस बैलेंस ऑन योर पेटीएम ऐप, यूपीआई लाइट बैलेंस कैन बी ट्रांसफर बैक विदाउट एनी चार्जेस, और 200 रुपए तक का आप ट्रांजेक्शन बिना पिन के कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड बैलेंस टू एक्टिवेट यूपीआई लाइट, यहां पे आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा आपके यूपीआई लाइट के वॉलेट में। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि मिनिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आप 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहां पे चलो मैं 200 रुपए ऐड करता हूं। नीचे यहां पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। यहां पे आपको एक चीज और बता दूं कि यूपीआई लाइट अभी इनिशियल फेज में है, तो भी लिमिटेड बैंक ही यूपीआई लाइट को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पे दो बैंक है, एक एचडीएफसी बैंक और एक इंडस है। एचडीएफसी बैंक में कोई भी एरर शो नहीं कर रहा, बट इंडस बैंक में आप देखेंगे कि डज नॉट सपोर्ट यूपीआई लाइट, जिसका मतलब है कि इंडस बैंक अभी यूपीआई लाइट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। लिमिटेड बैंक ही है, अप्रोक्स 8 to 10 बैंक है जो यूपीआई लाइट को सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ सिंपल आपको ऐड करने के लिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूपीआई पिन एंटर करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई लाइट 200 प्रोसेसिंग पेमेंट और यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, तो आप यहाँ से चेक बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपीआई लाइट 200 रुपए इसमें ऐड हो चुका है। फिर से होम पेज पे जाता हूँ पेटीएम के और देखते हैं कि अब आपको इंटरफेस किस तरीके से शो हो रहा है। नाउ अगेन आपको यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करना है। बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यूपीआई लाइट आपको ऊपर शो कर रहा था, बट अब यहाँ पे आपको पेटीएम बैलेंस के नीचे यूपीआई लाइट शो कर रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है वो आपको मेंशन दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अभी 200 रुपए ऐड किया था, यहाँ पे 200 रुपए शो कर रहा है। और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर अमाउंट डाल के सेम मेथड को प्रोसेस करके आप यूपीआई लाइट में अपने बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों आप देखते हैं कि इसमें आप ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं यूपीआई लाइट से, तो सिंपल आपको स्कैन एंड पे बटन पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपको कोई भी क्यूआर कोड जो आप वेंडर के उस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे स्कैन करना, तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक क्यूआर कोड है और मैं सिंपल इसको स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप मान के चलो मैं 10 रुपए यहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम यूपीआई लाइट या आप अपने सिंपल नॉर्मल यूपीआई ट्रांजेक्शन से करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अथॉरिटी मिलेगा सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं यूपीआई लाइट से सिलेक्ट कर रखा है मैंने। नाउ यहाँ पे सिक्योरली 10 रुपए आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल पे हो गया, कोई भी यूपीआई पिन यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको। दोस्तों इस तरीके से आप यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं। आप जो भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है अपटू 200 रुपए का जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो आप यूपीआई लाइट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन के। और साथ में दोस्तों ये जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपके बैंक स्टेटमेंट में भी शो नहीं करेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यूपीआई लाइट के बारे में जो भी आपके डाउट होंगे वो मैंने क्लियर आउट करे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो टेक रॉयल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा।